आए दिन हमारा ये लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है। कुछ समय पहले ठीक चल रहा होता है, अचानक से ये स्लो हो जाता है। तो इसका असली वजह क्या है? इसका असली वजह पता करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे इसके ट्रबल शूट के लिए। वो स्टेप्स फॉलो करने में थोड़ा शायद वक्त लग सकता है, लेकिन जो सोल्यूशन निकलेगा उससे वो एकदम परफेक्ट होगा और जो कि आपके लैपटॉप को और भी इसकी लॉन्गजिविटी बढ़ाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले ये है कि हमें इसे ऑन करके देखना होगा। मैं मतलब इसका बूट कितना फास्ट होता है वो हमें पहले ध्यान देना होगा। अगर बूट स्लो होता है तो फिर उसके लिए अलग उपाय है, और लेकिन अगर बूट अगर फास्ट होता है कंप्यूटर या लैपटॉप तो उसके लिए अलग उपाय है। तो पहले देखते हैं इसका बूटिंग कितना फास्ट है या स्लो है। तो जैसा देख रहे हैं अभी तक कंप्यूटर ऑन हुआ नहीं है प्रॉपर, सिर्फ HP का लोगो दिखा है, बाकी ये अभी ऑन हुआ। तो थोड़ा टाइम लग रहा है ऑन होने में। तो ये एक दिक्कत है कि कोई भी कंप्यूटर अगर हम ऑन करें और उस वक्त अगर ये बूट भी स्लो हो तो फिर दिक्कत अलग है। मैं बताऊंगा आपको एक एक करके स्टेप कि क्या दिक्कत हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमने नोट किया कि बूट स्लो हो रहा है, जो कि और ही फास्ट होना चाहिए, तो बूट स्लो हो रहा है, कंप्यूटर ऑन होने में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट ये है कि हमें अब चेक करना है कि इसको कोई सॉफ्टवेयर स्लो कर रहा है या इसका कोई हार्डवेयर स्लो कर रहा है इसे। तो वो चेक करने के लिए हमारे कंप्यूटर में ही आपका या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ही आपका टास्क मैनेजर दिया रहता है। सेकेंड, मैंने और एक चीज़ नोट किया है कि इसका जो हार्ड डिस्क है ना, उसमें से बहुत ही नॉइज़ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क एकदम 100% ऑक्यूपाइड हो चुका है। वजह क्या है? वजह यहाँ पे हमें नीचे, अगर हम इसको बीच में ले आते हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर धीरे धीरे देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम चल नहीं रहा है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है जो हार्ड डिस्क को पूरी तरह से एंगेज कर रहा है। कोई प्रोग्राम हमें वैसे दिख नहीं रहा है कि इसको स्लो करे या उसमें वो एंगेज हो काम में, लेकिन हार्ड डिस्क यहाँ पर फुल आपका ऑक्यूपाइड है। तो अभी हमें इस लैपटॉप में तीन सिम्टम्स मिले हैं जो कि एक ही तरफ इशारा करते हैं कि शायद इसके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले इस हार्ड डिस्क को ट्रबल शूट करना पड़ेगा। हम एक दूसरे हार्ड डिस्क से इसको रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कि इसके इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। ऑब्वियसली एक जब हम नया हार्ड डिस्क लगाएंगे या कोई दूसरा हार्ड डिस्क लगाएंगे इसमें, तो उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हमें कुछ वक्त लगेगा इसको रिप्लेस करने में और विंडोज़ को वहाँ पे इंस्टॉल करने में। तो हम कुछ समय बाद इन सब चीज़ों के साथ आते हैं। हमने एक ये नया हार्ड डिस्क ख़रीदा है WD-Green 480 GB का। ये एक SSD है, ये एक SSD है। तो हमने जब सोचा कि हम जब हार्ड डिस्क चेंज कर ही रहे हैं तो SSD क्यों ना लगा लिया जाए, क्योंकि ये एक पुराना टेक्नोलॉजी है। हम SSD लगाएंगे इससे और भी ज़्यादा फास्ट होगा, ये बहुत ही फास्ट होते हैं ये हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क लगाकर इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करके हम आपके पास वापस आते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ तक पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं और ताकि काम लैपटॉप सही तरीके से चल पा रहा है कि नहीं उन सॉफ्टवेयर को लेकर भी, तो ये भी वेरीफाई सही तरीके से हो जाएगा। हमारा जितना भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था हमने इस लैपटॉप में कर दिया है। लैपटॉप अगर मेरे नज़रिए से देखें तो लैपटॉप का स्पीड बहुत बेटर हो गया है पहले से, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको अभी इसमें टास्क मैनेजर भी दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि हार्ड डिस्क कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है, जो हार्ड डिस्क का जो बैंडविड्थ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने लैपटॉप को पूरा शटडाउन कर दिया है, क्योंकि मैं आपको इसका जो बूट टाइम है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना फास्ट हो चुका है। जस्ट अगर सेकंड्स में देखें तो विद इन 10 सेकंड्स लैपटॉप हमारा ओपन हो चुका है। देखिए कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जस्ट एक हार्ड डिस्क को चेंज करने से। हम दिन रात रैम चेंज करते रहते हैं, फिर भी सोचते हैं क्या हो गया, रैम चेंज कर लिया फिर भी लैपटॉप फास्ट नहीं होता, फिर आपका हम पूरा सिस्टम ही बदल देते हैं। तो देखिए हार्ड सिंपल से हमने सिर्फ क्या किया, एक हार्ड डिस्क चेंज किया। जो पहले साटा हार्ड डिस्क था हमने साटा SSD कर दिया उसको, और देख आप इम्प्रूवमेंट जो देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको इसमें कुछ एप्लीकेशंस खोल के दिखाऊंगा, जैसे ये फायरफॉक्स कितना फास्ट खुल गया। ठीक है, मैं और भी ये भी ब्राउज़र, ये ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप। मैं अगर इसमें कोई पेज भी अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आपको जैसे YouTube ओपन कर लेता हूँ, तो YouTube ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये भी ओपन कर लिया हमने। तो चलिए कोई भी एक वीडियो चला लेते हैं। अब डिजिटल इंडिया देखेगा, ठीक है, ओनली ऑन जियो 7। वीडियो चला लेते हैं, तो ताकि इससे क्या है, मैं अभी जो आपको टास्क मैनेजर में आपका ये दिखाऊंगा, हार्ड डिस्क का जो यूसेज है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं कि पहले डिस्क जो आपका इतना ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा था, मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली 100% हो जा रहा था, अभी ये सिर्फ 1% में ही पड़ा हुआ है। कोई एक्टिविटी उतना ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, बैकग्राउंड में कोई टास्क चल भी रहा होगा तो उसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि इसका ये हार्ड डिस्क इतना फास्ट होता है, इसका बैंड भी इतना फास्ट होता है कि इसको फुली ऑक्यूपाइड करना इतना आसान नहीं होता। जैसा कि आपने देखा लैपटॉप अब पहले जैसा स्लो एकदम भी नहीं रहा है, एकदम फास्ट हो चुका है। इसमें कोई और हैंग होने का या डिस्क फुल्ली ऑक्यूपाइड होने का कोई और प्रॉब्लम है नहीं। तो विंडोज़ 10 अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो यह इससे ज़्यादा विंडोज़ 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, जो भी आगे, तो प्रेफर्ड यही है कि आप SSD यूज़ करें या M.2 यूज़ करें। तो पुराने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में M.2 या NVMe सपोर्ट नहीं भी करता है, तो आप SSD यूज़ कर सकते हैं, 2.5 mm जो SSD सिमिलर रहता है, जो पुराने वाले हार्ड डिस्क जैसे रहता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। रैम चेंज करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं ऐसे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बस खर्चा हो जाता है। आप हार्ड डिस्क चेंज करके एक बार देखिए, ज़रूर आपको इफेक्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। तब तक के लिए जय भारत, जय इंजीनियर्स।